दोस्तों इश्क में मर जावा टू काफी इंटरेस्टिंग हुए जा रहा है। रोज इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जितना इसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आगे के एपिसोड में क्या अपडेट्स होंगे। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं एसएनएस पीस और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा जैन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक जैसे ब्लैक मामा का वो खुलासा नहीं हुआ है कि वो है कौन, बट थोड़े बहुत एक दावे लगाए जा रहे कि या तो वो चाची हो सकती है या फिर अनुप्रिया, बिकॉज इन दोनों की एक दुश्मनी, एक उनके अंदर रिवेंज की भावना है रिधिमा को लेके। पर वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये वाली बात बहुत सामने उठ रही है कि क्या रिधिमा प्रेग्नेंट है, क्या वो बच्चा अलाइव है या नहीं। पर हम जैसे देख सकते हैं वीडियोस में, जैसे हमें दिखाया सीरियल्स में कि रिधिमा काफी रोती है, काफी उनका एक इमोशन दिया जिससे लगता है कि रिधिमा नहीं है, वो सॉरी रिधिमा का बेबी नहीं है। पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा प्लान रचा जा रहा है ब्लैक मामा का खुलासा के लिए। जी हाँ दोस्तों, उनका पर्दा फाश करने के लिए शायद से ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के एपिसोड में रिधिमा एक थप्पड़ मारने वाली है ईशानी को। जी हाँ दोस्तों, जब ईशानी रिधिमा को फोर्स करेंगी कि वो अपना अल्ट्रासाउंड कराए जिससे एक कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या उनका बेबी सेफ है या नहीं, क्या रिधिमा का जो बच्चा है वो जिंदा है या नहीं, और क्या वो प्रेग्नेंट है या नहीं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए ईशानी रिधिमा को फोर्स करती है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड कराए। पर वही रिधिमा को गुस्सा आता है और रिधिमा मारती है तेज सा थप्पड़ ईशानी के गाल पे। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। और वही दूसरी तरफ रिधिमा देख लेती है एक ब्राउन कोट में पहने हुए एक लड़का या लड़किया, नहीं जानते कौन है वो, और उसका पीछा करती है। जी हाँ दोस्तों, वही उसका पीछा करते करते उसको कुछ ऐसा देख के एक अंदाजा लग जाता है शायद वो ब्लैक मम्बा को जानती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको कैसा लगा ये सेगमेंट हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।